हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा DLW बनारसी से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई थी। इसका फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है और बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो अभी क्या हुआ कि थर्ड मेरिट लिस्ट आई हुई है और इसमें बच्चों का नाम है JB के लिए। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर DLW लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है। ये देखिए DLW लिखा हुआ है और इसमें हम नीचे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ बच्चों का ट्रेड लिखा हुआ है, यहाँ ट्रेड दिया हुआ है। ये देखिए ये ट्रेड दिया हुआ है और इस डेट को आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 14/2 को। अगर आप 14/2 को भी छूट जाते हैं, किसी कारणवश एबसेंट हो जाते हैं, तो आपको एक और मौका मिलेगा। 16/3 को जा सकते हैं आप। अगर 16/3 को नहीं गए तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी नहीं होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद आप नीचे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए non-ITI और ITI से बच्चों का है। अब नीचे स्क्रॉल करने पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट दिया हुआ है ITI से और non-ITI से। ये कट ऑफ लिस्ट है, यहाँ पे ये ITI और नीचे non-ITI से दिया हुआ है। और हम इसके और नीचे चलते हैं, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ रिजेक्टेड बच्चों का नाम दिया हुआ है। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है और ना आपका नाम नहीं आया है, आप लोग देख लीजिए कि आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में तो नहीं है। यहाँ पे इसका रीज़न दिया हुआ है, किस कारण वजह से आप लोग को रिजेक्ट किया गया, जिन बच्चों का ये है। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ ITI का ट्रेड वाइज दिया हुआ है, ये वेल्डर ट्रेड का है। यहाँ पे बच्चों का नाम ट्रेड है, ये इसका नंबर दिया है, नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, उसके बाद कम्युनिटी, 10वीं पास करने का ईयर, मार्क्स दिया हुआ है और ये रिमार्क्स दिया हुआ है। इसी तरह अब नीचे देखिए ये इलेक्ट्रीशियन पे, फिर अब और नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे चलने पर ये देखिए मैकेनिस्ट का है ये। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए पेंटर का है, फिर ये फिटर का दिया हुआ है और ये non-ITI से बच्चों का नाम दिया हुआ है। ये जिन्होंने non-ITI से फॉर्म फिल किया था उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, कैटेगरी है, 10th पास का ईयर है, फिर परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर उनका नाम है। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इसको आप लोग देखिए आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपका नाम है तो इसमें कमेंट कीजिए हमको कि आपका नाम आ गया और कितने परसेंटेज थे। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी DLW बनारसी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।